जी में आपका एक बार फिर स्वागत है। बातचीत के सिलसिले को ब्रेक के बाद एक बार फिर से जोड़ेंगे। आपने हिमाचल का फोक गाया, बहुत जल्दी हिमाचल जाना होगा, चुनाव है वहाँ पे और निश्चित तौर से वहीं का दौरा सबसे पहले हिमाचल का ही होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जब कहीं नहीं होते हैं तो फिर हम सीपी में होते हैं, कनॉट प्लेस में होते हैं। तमाम सारे लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, बातचीत के सिलसिले को जोड़ेंगे। कहाँ से हैं आप? कहाँ से हैं? इलाहाबाद। इलाहाबाद, प्रयागराज। प्रयागराज, प्रयागराज, बहुत अच्छी बात है, जबान में चढ़ा हुआ है इलाहाबाद। हाँ जी, प्रयागराज से शुभम शुक्ला। हाँ, प्रयागराज। अच्छा, तो नाराज हो क्या? नहीं, नहीं, अरे नहीं, हमने कहा शुभम शुक्ला नाराज, हमने कहा हो सकता शुभम शुक्ला नाराज हो गए हो। नाराज मत होना भाई, अपनी बात बड़ी बड़ी आराम से और तसल्ली के साथ कही जा सकती। क्या हुआ तुम्हें, क्या हो गया? कुछ नहीं सर, कुछ नहीं। कहाँ से हो? गया से। गया से हो? अच्छा, सब ठीक है? बिल्कुल सर। कब से आना हुआ इधर? हर दिन आता हूँ डेली आपको। नहीं, मुझे यहाँ तो शो में आते हो, लेकिन गया से कब आए इधर? हो गए दो तीन महीने। दो तीन महीने हो गए जी भी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बाजी नाराज नहीं होते। ये कैमरे का उसूल है कि अगर आपके पास है तो आप नाराज नहीं होंगे। बाकी कोई कुछ कह सकता है, लेकिन आपको तो सिर्फ सुनना है, बहुत तटस्थ भाव से बिल्कुल वैसे ही सुनना है जैसे सब लोग कहेंगे। जी सिद्धार्थ, मैंने ब्रेक के बाद आपसे कहा था कि मैं आपसे पूछूंगा, तो मैं आपसे पूछूं, कम करो ये, ये ठीक नहीं है ये। हाँ जी, रेवड़ी कल्चर की जो बात हो रही है, रेवड़ी कल्चर ये है, मोदी ने जिसको भी बांटा है वो लाभार्थी है। वो एक क्राइटेरिया बनाया बीपीएल का, उनको दिया, वो घर दिया, राशन पानी दिया, चूल्हा दिया। केजरीवाल जी, जो औरत पंजाब में 2 लाख रुपए महीने कमा रही है, जो इनकम टैक्स 30% दे रही है, उसको आप 1000 रुपए महीने का दे रहे हो। पानी और बिजली नेचुरल रिसोर्सेज है जिसकी कमी है, और आपके यहाँ बनता भी नहीं है, ना पानी आपका है ना बिजली आपका है, मतलब दिल्ली में आप दूसरों से ले और आप फ्री में बांट रहे हो। पानी की पूरी दुनिया में कमी। मोदी जी ने क्या किया? मोदी जी ने पानी किसको फ्री में बांट दिया? नल लगा रहे हैं मोदी जी, नल से बनेगा आएगा पानी एक टाइम से टाइम। आपने क्राइटेरिया क्या रखा? बीपीएल रखा ना मोदी ने रखा, और केजरीवाल ने बिना सोचे समझे और पंजाब में क्राइटेरिया बनाया उन्होंने। उन्होंने बोला कि जनरल कैटेगरी का बिजली का बिल माफ नहीं करेंगे हम। अरे भाई क्यों? और बिजली आ कहां से रही है? फ्री में थोड़े बन रही है, एनटीपीसी जाओ, कोयला, सब कुछ नेचुरल रिसोर्सेज है। मैं आ रहा हूँ दत्ता जी, आ रहा हूँ, ऑफकोर्स आ रहा हूँ, लेकिन सबसे पहले शौर्य को मौका मिलना चाहिए। शौर्य आज डिबेट में शरीक हो रहे हैं, वकील हैं पेशे से, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। डिबेट से शुरू हो रहे हैं और ये ऐसा मंच है जिसमें मुझे लगता है कि साहित्यकारों को भी आना चाहिए। आशोभा अक्षरा यहाँ पे जुड़ रही है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। वकील आते ही हैं और एक के बाद पहले दिव्यांशु आते थे, उसके बाद एक और जुड़े, फिर उसके बाद एक और जुड़े, फिर ऐसे ही सिलसिला जुड़ता। मुझे लगता है कि तमाम सारे लोगों को आके तमाम सारी तरह से बातचीत का सिलसिला जोड़ना चाहिए। क्या नाम है आपका? आफरीन खान। आफरीन खान, आफरीन, बहुत अच्छा। जब तक मन लगे डिबेट में रहिएगा, जब मन ना लगे तो चली जाइएगा, है ना? ठीक है ना? बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया जी। बोलिए शौर्या जी। सर मुझे लगता है कि वकीलों के भी आर्गुमेंट्स को बहुत जल्दी सर साहित्य में बदलना चाहिए। वो भी एक वो साहित्य है सर, वो साहित्य है और देश के बहुत काम आएगा। हाँ, शोभा जी सुन रही है बहुत अच्छी तरह से। जी सर, आज का जो मुद्दा है रेवड़ी वाला, तो मुझे लगता है कि आज की सबसे दुर्भाग्य रेवड़ी वो सुनने में आई जब हमारे ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें ये बताया कि हमारे जो डिप्टी सीएम हैं दिल्ली के, उन्होंने 144 करोड़ रुपए की रेवड़ी कुछ प्राइवेट कंपनीज में बांटी। अब सर दिल्ली की एक न्यू लेकर पॉलिसी आई थी जिसका मैंने थोड़ा सा अध्ययन किया, उससे मुझे आज ये पता चला कि उसके कुछ पॉइंट्स ऐसे थे जिसको कि ब्रूटली वायलेट किया गया है डिप्टी सीएम द्वारा या सर दिल्ली सरकार द्वारा, आप कह लीजिए। अब इसकी सर सीबीआई जांच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, इसके सर मैं तो इसका जजमेंट नहीं दे सकता हूं, लेकिन मेरे हिसाब से ये आज की सबसे दुर्भाग्यपूर्ण रेवड़ी है जो कि दुर्भाग्यपूर्ण रेवड़ी है। जी जी बिल्कुल, मैं सहमत हूं। मैं किसी पार्टी की स्पोक्स पर्सन नहीं हूं, तो इसलिए मैं आम आदमी पार्टी की स्पोक्स पर्सन हूं, तो उनसे भी पूछना सकती हूं कि 3 नाम मीनाक्षी लेखी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसे गिनाए हैं जो ब्लैक लिस्टेड है, उनको टेंडर कैसे मिल गया? दिस इज ऑल्सो अ क्वेश्चन। राइट राइट, समाजवादी पार्टी। देखिए मैं ये कहना चाहता हूँ, DHFL कंपनी थी जिसने 17 बैंकों से लोन लेकर के उनको दिवालिया घोषित कर दिया, इन्होंने 27 करोड़ चंदा ले लिया उनसे, तो ये घी कौन पी रहा है? कंबल ओढ़ के घी ये पी रहे हैं कौन? बीजेपी वाले। अरे दुबे जी नाम ही नहीं लेते तो मुझे लगता है ये कौन ये? अरे नाम तो बोलो यार, कौन ये, कौन वो, कहाँ? गुप्ता जी आप तो बस ना फ्री में चाय पियो, या तो चाय मंगवाओ और या तो चाय पियो, मेरे लिए चाय मंगवाओ, मैं आ रहा। हाँ जी, जब फ्री में रेवड़ी बांट रहे हैं तो ला कहाँ से रहे हैं? अरे अरे बड़ा हिसाब किताब रखते हो यार गुप्ता जी, दारू वालों से इकट्ठा कर रहे हैं
और इनको दूध महंगा लग रहा है। राइट राइट, मैं कुलदीप विलान सर। हाँ जी, रेवड़ी भी छोटी बड़ी है, सिर्फ ये रेवड़ी जो बट रही है, जिसकी चर्चा चल रही है, वही रेवड़ी नहीं है जो पानी के रूप में, बिजली के रूप में, लोग के राशन के रूप में, बच्चों को शिक्षा चिकित्सा के रूप में। यानी आप कह रहे हैं कि जो बीजेपी ने जो राशन दिया, नहीं नहीं, मैं कह रहा हूं कि जो आम आदमी पार्टी ने जो रेवड़ी दिया है, जिसकी चर्चा आप कर रहे हैं, मैं बीजेपी के बड़ी रेवड़ी की बात करता हूं। इस देश का जो पीएसयू है, एक भी बीजेपी में नहीं बनाया, और 27 के 27 पीएसयू जो है, ये तो बताइए। हाँ, वही वही जो, जो जो पहले की सरकार थी उसने बनाई, और वह बड़ी रेवड़ी जो, अरे भाई, सारी कंपनियों को बांट दी गई। हाँ जी, नाम क्यों नहीं ले रहे, किसने बनाया? सारी बड़ी कंपनियों किसने बनाया? कांग्रेस ने बनाई। अरे तो बोलते क्यों नहीं है? सपा के बातों से अचंभित हो गया हूँ मैं। ये कह रहे कि ये तो नाम ले नहीं रहे, क्योंकि राष्ट्रपति चुनाव में इनके 12-12 एमएलए ने तो छुप छुप के भाजपा के प्रत्याशी पे ठप्पा मारे थे, तो कहां से नाम देंगे? दूसरी बात, इनका जवाब ये दे रहा हूं कि ये इसलिए है कि ऑस्ट्रेलिया में प्रधानमंत्री जी गए और वहां पर एक अडानी जी को कोयला की खदान दे रहा। दूसरी बात यहां पे ये आती है, कि आपने शुरुआत में कहा, एक बात कह रहा हूं, व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं, आपने शुरुआत में कहा था कि आपने तो बहुत कुछ बताया था सपा सरकार के बारे में, दो चीज आप भूल गए थे प्रतीक भाई, एक है कि दंगा बांटे थे ये लोग फ्री में, दूसरा है कि भ्रष्टाचार बांटे थे फ्री में, तीसरा है कि जातिवाद सांप्रदायिक चीज गुंडा नीति बांटे थे फ्री में, ये तो इनकी सरकार की देन है। आगरा से लेकर के लखनऊ तक का 22 महीने में हमने एक्सप्रेस वे 320 किलोमीटर बनाने का काम किया, इन्होंने बीजेपी की सरकार ने कहीं बनाना किया, दुग्ध उत्पादन में हमने नंबर एक बनाया उत्तर प्रदेश को, हमने विद्युत उत्पादन में काम किया, उत्तर प्रदेश की सरकार बता दे एक यूनिट बिजली कहीं उत्पादन की हो, एक संयंत्र लगाया हो, ये झूठे लोग मेट्रो ला रहे। राइट राइट, प्रतीक जी ऐसा है, फ्री की रेवड़ी बांटना, भाई क्यों हल्ला मचा रहे हो, क्यों हल्ला मचा रहे हो? नहीं नहीं, तुम नहीं हल्ला मचा रहे, मुझे मालूम है कौन हल्ला मचा रहे हैं। ना बेटा, बहुत अच्छे बच्चे हो तुम। जी कहते हैं घर में भूजी भांग नहीं डोडी पर नाच, इनके पास कुछ है नहीं हाथ में, और नाच न सबसे बड़ी विपक्ष पार्टी है वहाँ पे पार्टी है। हाँ। लेकिन प्रतीक जी एक बात बताइए, जिसकी बात कर रहे हैं, फ्री लैपटॉप जो हुआ, जो इन्होंने बांटे उसमें बड़ा घोटाला हुआ, जो पेंशन योजनाएं थी उसमें बड़ा घोटाला किया, और ये हमसे बोल रहे, अरे हमारी सरकार ने काम कर रही है, और इन्होंने क्या किया, एक एक्सप्रेस वे बनाया उसमें भी बड़ा घपला घोटाला किया, इसीलिए हाशिए पे चले गए, और ये हम पे आरोप लगाते, सहारा एंड सहारा कंपनी का सहारा लेकर, इनको बताया कुदाल लेकर के इनके मंत्री घूमते रहे, कभी सड़क खोली, कभी एक्सप्रेस वे घूमती, रिवर फ्रंट गए, लेकिन बताइए कौन सा घोटाला साबित हुआ, ये झूठ बोल। राइट 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 राइट, प्रतीक जी देखिए, आज मैंने फिर कहा, बार बार कहता हूँ कि दिल्ली की सरकार 2015 में बनी थी अरविंद केजरीवाल जी की, दिल्ली का बजट था 36,000 करोड़ रुपए, आज आपकी लोग आपके पानी वाले पे, लोग आपकी बिजली फ्री वाले पे पीछे पड़े हुए हैं। भक्तों को दिक्कत होती है, है? जो भक्त है उन्होंने दिक्कत होती है, और हमने तो कहा कि जिसको नीचे छोड़ दे, इनको दिक्कत है, छोड़ देगा बात कहते हैं तो भी दिक्कत होती है। पहली बात, 36,000 करोड़ शुरू हुई सरकार, 5 साल बाद 72 करोड़ पे आती है, और इसलिए आती है क्योंकि उन्हें भ्रष्टाचार खत्म किया, ईमानदारी से काम किया, और जनता को फायदा भी दिया, जनता को लाभ। दूसरी बात, जो सीबीआई और ईडी का डर आप दिखाते हो ना, ये कांग्रेस वालों को दिखाना या औरों को दिखाना, ये अरविंद केजरीवाल की सरकार है, ईमानदार सरकार है, भगत सिंह की सरकार है। बाबा ये ईडी और सीबीआई किसी को दिखाना। दूसरी बात ये सरकार, ये पहले जिस घोटाले की उन्होंने बात करी, ये पहला ऐसा घोटाला है जिसमें सरकार को 13,000 करोड़ का फायदा होता है। और दूसरी बात ये, अभी मीनाक्षी लेखी की बात कर रहे थे, क्या मजाक करते हैं ये लोग, 144 करोड़ की बात कर रहे हैं लोग, इन्हें जीरो नहीं बताओ कितनी भाजपा। राइट 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 राइट, देखिए ये लोग ईमानदारी की आहें भरने वाले लोग, इनके दो मंत्री आज भी जेल में है, तो ऐसे भ्रष्टाचारियों को ईमानदारी की बात करने की तो बात ही नहीं बनती है। कांग्रेस की तरह झुकेंगे नहीं, बिकेंगे नहीं कांग्रेस की तरह, जेल जाना होगा जाएंगे, जहाँ जाना हो जाएंगे, लेकिन बिकेंगे नहीं कांग्रेस की तरह। बिल्कुल गलत बात, आइडियोलॉजी की लड़ाई लड़ने के लिए हम लोग हमेशा से तत्पर रहे और तत्पर रहेंगे। ये लोग चोरी करते हैं, ऊपर से सीना चोरी करते हैं, देशभक्त लोग हैं, कांग्रेस की तरह बिकेंगे नहीं, कांग्रेस साथ जाके ना दबेंगे ये ईडी और सीबीआई। एक मिनट,
बहुत ईमानदारी के साथ खड़े रहो, ईमानदारी के साथ चुपचाप खड़े रहो। मैं आ रहा हूँ बेटा, आ रहा हूँ। चलो आज नहीं, जी जी बोलो। रुको शुक्ला जी, प्रयागराज शुक्ला जी, एक मिनट रुको, मैं आ रहा हूँ, तो वेट करो, वेट करो। हाँ जी, ईमानदारी का टैग लगा के हजारों करोड़ का घोटाला करते हैं लोग, पानी आता नहीं है इनका। कहाँ नहीं आ रहा है? श्रीनगर में नहाने, आज मैंने दूसरे की छत पे जाके नहाया टैग। अंदर आओ। आज तुमने क्या किया? दूसरे की छत पे जाके मैं नहा के आया, पानी नहीं आता इनका। क्या आज तुमने क्या किया? दूसरे के छत पे जाके कहाँ रहते हो? त्रिनगर में। तो त्रिनगर में रहते हो, आज पानी नहीं आ रहा होगा, रोज पानी आता होगा, आज पानी नहीं आया। इनका नियम है, कभी हफ्ते में तीन चार दिन का आया भी रहता है इनका, हफ्ते में तीन चार दिन। अच्छा चलो मैं आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। हाँ जी, हाँ जी बोलो। सर मैं समाजवादी पार्टी के भाई साहब से पूछना चाहता हूँ। समाजवादी पार्टी के कुलदीप, आ रहा हूँ। आप एक मिनट, आप वही थे ना जिन्होंने कार सेवकों के ऊपर गोलियां चलवाई थी? हिंदुओं की हत्यारा पार्टी हो ना आप? मैं सुनो मेरी बात, मेरी बात सुनो। मैं यहाँ पे शो करता हूँ, आप एक मिनट को, आप फैक्ट्स के साथ बात करें। हिंदुओं की हत्यारी, अब ये शब्द मैं लूंगा नहीं, हिंदू की हत्यारी शब्द मैं नहीं लूंगा, नहीं लूंगा, नहीं लूंगा, कोई हो। हाँ अभी बात कहिए आप, मैं बात सुनने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आप कहिए कि किसी व्यक्तिगत पार्टी में। नो, आई वांट टेक, आई वांट टेक। सर मैं ये कहना चाहता हूँ, आजकल आज आप डिफेंड कर सकते हैं, आप कह सकते हैं, लेकिन मैं ये शब्द नहीं लूंगा समाजवादी के लिए। जी सर मैं ये कहना चाहता हूँ, क्या देश के अंदर तुष्टीकरण करते करते इतना देशद्रोह देश के अंदर ऐसे मतलब विपक्ष पार्टियों में आ सकता है कि पक्के कट्टर हिंदू विरोधी होने के साथ साथ, तुष्टीकरण करने के साथ साथ पूरे देश का बेड़ा गर्क कर रहे हैं? और साथ ही केजरीवाल जी से ये कहना चाहता हूँ, ये जितने भी विपक्ष पार्टियों को कहना चाहता हूँ, अब भी सुधर जाओ। जिन्होंने राम को काल्पनिक कहा था वो धराशायी हो चुके हैं। कांग्रेस मुक्त का जो सपना पूरा पूरे 100 करोड़ 130 करोड़ देशवासी देख रहे हैं, वो पूरे विपक्ष के लिए भी। मैं आपका नाम जानना चाहता हूँ। नवनीत भारद्वाज। नवनीत भारद्वाज, लास्ट वाला पोर्शन मैं ले लूंगा, तुष्टीकरण वाला, वो ठीक है, वो सवाल ठीक है, वो सवाल ठीक है, वो सवाल ठीक है, वो सवाल ठीक है, तुष्टीकरण वाला से ले लेंगे, लेकिन किसी के पास चस्पा नहीं करने दूंगा कि ये चस्पा कर दो, ये मेरा काम नहीं है।